बड़े फौजी काफिले पर हमला है, बड़ी खबर। यूक्रेन के अटैक में दर्जनों रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अटैक में कई रूसी बख्तरबंद गाड़ियों और बड़े ट्रक तबाह हुए। विजुअल्स के साथ राहुल प्लीज यहां पर ये देखें, रशिया जो है उसके सामने ये जो रेजिस्टेंस है ये अनप्रेसिडेंटेड है। रशिया को उम्मीद नहीं थी, ये युद्ध अब 12वें दिन में आ गया है, 11 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी रशिया ने बहुत कंसोलिडेट नहीं कर पाया अपनी पोजीशन। कुछ ही इलाकों पर कब्जा किया है, पूरा यूक्रेन पर कब्जा नहीं किया है। वो टैक्टिकल वॉरफेयर के नाम पर कुछ भी बोले, लेकिन ये देखें आप, ये तस्वीरें फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं, ये रशियन आप देखें, और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है, इसकी जियो टैगिंग कर हमारी असाइनमेंट डेस्क में आपके सामने ये विजुअल्स लेके आए। इन सब के ऊपर जी लिखा हुआ है, जिसका आप बेसिक मोटो था ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की उनके टारगेट पर थे यहां पर। और ये देखें किस तरीके से तबाह किया गया है, ये बताया जा रहा है कि ये उनके फाइटर प्लेन्स और ये जो उनके ड्रोन्स है उनसे बॉम्बिंग की गई है। इसमें कई लोकल गाड़ियां भी चपेट में आई है, दिस कैन नॉट बी डिनाइड यहां पर। लेकिन बड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, एक और बड़ी खबर सीधे दिखाएं। खारकीव में दर्जनों टैंक छोड़कर भागे रूसी सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सैनिक दर्जनों T-80 BMV टैंक छोड़कर पीछे हटे। विजुअल्स के साथ, यूक्रेन के सैनिकों ने किया रूसी टैंक्स पर कब्जा। यूक्रेन ने रूस के 30 यूनिट के साजो सामान अपने कब्जे में लिए। विजुअल्स के साथ फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं, ये देखें हर एक पर जी लिखा हुआ है, और वहां पर बर्फबारी काफी तेज हो रही है। खारकीव में दर्जनों टैंक छोड़कर भागे हैं रशियन सैनिक। यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये इसका वेस्टर्न मीडिया अभी तक जवाब नहीं निकाल पा रहा है, ये छोड़ के भाग कहां आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स के साथ। सर के पास ध्रुव, सर एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप वॉरफेयर अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने कई वॉर्स में पढ़े, मतलब आपने उसमें रहे भी है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि रशियन टैंक्स छोड़ छोड़ के ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, इनक्रेडिबल वर्क वंस अगेन। लेकिन ध्रुव सर, योर टेक ऑन इट सर। अच्छा निशांत जी, मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो जहां तक टैंक्स की बात है, अभी आपने कहा कि 30-40 टैंक छोड़ के भाग गए, ये मुझे लगता है ये सही कवर किसी भी हालत पे नहीं हो सकती है। एक पूरी रेजिमेंट अपनी टैंक को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ये बात जरूरी, ये बात सही है कि ये जब इस प्रकार के हमले होते हैं, कोई टैंक्स आइसोलेटेड हो जाती है और उसको हिट हो गई है और आगे नहीं बढ़ सकती है, तब तो वो जो क्रू है वो टैंक को छोड़ के बाहर निकल जा सकते हैं। पॉइंट टेकन, आई हैव टेकन योर पॉइंट, यू आर राइट, 30-40 नहीं छोड़ सकते, ठीक है, वी स्टैंड करेक्टेड, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको और फिल्टर डाउन। मैं वैसे, लेकिन ये सर टैंक छोड़ के भाग क्यों रहे, वैसे ही बोल रहा हूं, कई जगह विजुअल्स आ रहे हैं। और टैंक्स, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, यू नो, दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो असलियत में क्या है और कितनी टैंक्स डिस्ट्रॉय हुई है इसके ऊपर भी नजर लगाना जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, देखिए यूक्रेन के पास 180,000 सैनिक थे जिनके पास मॉडर्न आर्ममेंट्स था। ये फौज इतनी जल्दी वैसे टूटने वाली नहीं थी, अगर यू नो, ये नहीं कह सकते कि एक या दो दिन में ये टूट सकती थी। वैलिड पॉइंट। तो जहां तक रूस की बात है, उन्होंने ये समझा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर लगा के अगर ज़ेलेंस्की को हटा दिया जाए और दूसरी सरकार लगा दी जाए तो लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ज़ेलेंस्की हटे नहीं, इसीलिए ये युद्ध की जरूरत पड़ी। ये युद्ध लंबा चलेगा, ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।